हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हेल्थ केयर में। देखिए दोस्तों, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, और गाइस आपने देखा था कि टेस्ट डोज क्या होता है और ये कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। और तीसरी चीज़ दोस्तों आपने देखी थी कि मेरी हेयर लाइन कैसी बनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें अपनी लाइव सर्जरी आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये सर्जरी रूम है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ उपकरण रखे हुए हैं जो सर्जरी में काम आते हैं, और ये पूरा रूम है गाइस आप देख सकते हो, ठीक है। और यहीं पे मेरी सर्जरी अभी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली बात ज़रूर करना। सो गाइस अभी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर शुरू करने जा रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट तीन चीजों में डिवाइड होगा, एक्सट्रैक्शन, स्लिटिंग और इम्प्लांटेशन। तो अभी सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो कि एक्सट्रैक्शन है, तो हमने मार्किंग की हुई है, उसका फोटो भी हम आपको बताएंगे। वहां पर हम लोग यहाँ ये पूरा एरिया हम लोग अभी पहले लोकल एनेस्थेशिया देने वाले हैं और फिर सर्जरी को शुरू करेंगे। दोस्तों ये ब्लड PRP के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो हम मेरे ग्राफ्ट लगने वाले हैं, जो इम्प्लांटेशन होने वाला है, उससे पहले ही मेरी एक PRP होने वाली है, जिससे मेरा रिज़ल्ट बूस्ट हो जाए ट्रांसप्लांट के बाद और मेरे को अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो दोस्तों ट्रांसप्लांट से पहले ही मेरी एक PRP हो चुकी है, आप देख सकते हो ये ब्लड उसी के लिए लिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्लीन करके यहाँ पे अब एनेस्थीसिया दिया जाएगा गाइज, लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे दिया जाएगा, आप देख सकते हो गाइज। अब आपके मन में ये चीज़ हो रही होगी कि क्या ये पेन कर रहा है। देखिए दोस्तों उसमें थोड़ा सा पेन होता है, हल्का सा, और गाइज जब ये एनेस्थीसिया नीचे की तरफ लगता है ना, गर्दन के नीचे की तरफ, तो थोड़ा पेन करता है, बाकी नॉर्मल कुछ नहीं होता गाइज। ऐसा लगता है जैसे चींटी काट रही हूँ, आप देख सकते हो दोस्त, इस हिसाब से एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये देख सकते हो दोस्त। कुछ ज़्यादा दर्द नहीं होता, बस हल्का सा पेन होता है। सो गाइज हमारा एनेस्थीसिया कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। करीब 2.5 से 3 घंटे लगेंगे अभी एक्सट्रैक्शन पूरा होने में। हमारा आज का प्लान है 3000 ग्राफ्ट इनके एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो मेरा एक्सट्रैक्शन चालू हो चुका है, और डॉक्टर प्रनील मोरी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हो वीडियो में गाइज कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यहाँ से ग्राफ्ट निकाले जाते हैं पीछे से, जो डोनर एरिया कहलाता है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं। और दोस्तों ये ग्राफ्ट को थोड़ा मतलब कि अलग अलग किया जाता है, जिसमें 2 बाल होते हैं, 3 बाल होते हैं, सिंगल ग्राफ्ट, ये यहाँ पे थोड़ा इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं असिस्टेंट जो इस काम को कर रहे हैं, आप देख सकते हो दोस्त। तो आप यार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है, इसमें मैंने आपको कम्प्लीटली जानकारी दी है दोस्त। ये जानकारी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए गाइस। और गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे ये PRP दी जा रही है, जो मेरा पहला ब्लड लिया गया था, ये PRP दी जा रही है, ये एनेस्थीसिया नहीं है दोस्त, इसे आप एनेस्थीसिया मत समझना, ये अभी PRP दी जा रही है जहाँ पे मेरे ग्राफ्ट लगने हैं गाइस। ये पूरा एक्सट्रैक्शन ख़त्म हो चुका है, और देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से इतने एरिया से मेरे ग्राफ्ट निकाले गए हैं, जो कि 3000 ग्राफ्ट्स हैं। और गाइस यहाँ पे कुछ अभी पट्टी कर दी गई है गाइस, ये परमानेंटली तो नहीं है, क्योंकि दोबारा पट्टी होती है जब हम कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, तो ये अभी ऐसे ही पट्टी कर दिया है। और गाइस फाइनली अब मैं लगभग 3 घंटे के बाद उठने वाला हूँ दोस्त, और इसके अंदर मुँह गाढ़े गाढ़े काफ़ी यार टाइम हो गया था, तो बाकी कुछ दिक्कत नहीं, आप मेरे फेस पे स्माइल देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत मेरे को नहीं थी गाइस। बाकी जो इतनी देर जो लेटा रहा उसकी वजह से थोड़ी कमर में पेन वगैरह होता है। सो गाइस हमारा एक्सट्रैक्शन अभी खत्म हो गया है, लगभग 3 घंटे लगे हमें एक्सट्रैक्शन करने में। अभी हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ जा रहे हैं, जिसे स्लिटिंग करते हैं। हम उनके जो मार्क किया हुआ एरिया है वहां पे PRP कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, अब उस एरिया में हम लोग होल्स करेंगे, यानी कि स्लिट करेंगे और प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, तो गाइस फाइनली हमारी स्लिटिंग हो चुकी है, और अभी 2 बज रहे हैं, तो ये लंच टाइम हो रहा है। लंच के बाद फिर से मेरी सर्जरी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, इसमें ग्राफ्ट डाले जाएंगे, यहाँ से स्लिटिंग होगी।
तो दोस्त इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए जब तक मैं इस वीडियो को एंड ना करता। दोस्तों अगर मैं अपनी कंप्लीट सर्जरी इस वीडियो में दिखाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो दोस्तों मैंने अपनी सर्जरी की वीडियो को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। दोस्तों आपको पार्ट वन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं पार्ट टू जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ तो गाइज जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे दोस्तों उतनी ही जल्दी मैं पार्ट टू लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।